दोस्तों, टाइटैनिक आज तक का सबसे बड़ा जहाज था, जिसे 3000 वर्कर्स के टीम ने कुछ इस प्रकार से बनाया था कि चाहे समुद्र में कितनी भी बड़ी सुनामी या तूफान आ जाए, पर यह जहाज नहीं डूबेगा। टाइटैनिक का सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ था और 14 अप्रैल 1912 को यह नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक बर्फ की काफ़ी बड़ी चट्टान से टकरा कर दो टुकड़ों में टूट गया, जिस कारण 1500 लोगों की काफ़ी भयानक मौत हो गई। दो टुकड़ों में टूटने के बाद जहाज का मलबा समुद्र की 3 किलोमीटर की गहराई में समा गया, जो आज भी समुद्र में उसी तरह पड़ा हुआ है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर टाइटैनिक के इस मलबे को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। दरअसल दोस्तों, टाइटैनिक के उस मलबे को 1985 में खोजा गया था। ये जहाज जहाँ डूबा है वहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है और इतनी गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतने गहराई में किसी इंसान का जाना और जिंदा वापस आना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी बार इसके मलबे को निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार नाकामयाबी रहे, क्योंकि जहाज इतना बड़ा और भारी है कि इसे 4 किलोमीटर की गहराई जाकर मलबा निकालना मुमकिन है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी, और जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर करवा लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।